व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू योगी ऑन व्हील्स। और मैं योगी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए व्लॉग में। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं मध्य प्रदेश की एक और प्राइम लोकेशन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची पे। इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा सांची से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं सांची। तो सिर्फ 50 किलोमीटर की एक छोटी सी रोड ट्रिप के बाद मैं पहुंच चुका था भोपाल से सांची। और अगर आप देश में कहीं से भी फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं भोपाल के लिए, और आगे की जर्नी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाय रोड या ट्रेन से भी कर सकते हैं। सांची सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मेन स्पॉट से। आप चाहे तो वॉक करके भी आ सकते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे शेयरिंग ऑटो के या फिर रिजर्व ऑटो के, जो कि आपको डायरेक्टली मेन स्पॉट तक छोड़ देंगे। अब क्योंकि मैं कुछ साल पहले भी यहाँ आया था तो मुझे ये बात तो पता थी कि ये काफ़ी पुराना रास्ता है जो कि मेन रोड से बनने से पहले बना हुआ था और वही यूज़ हुआ करता था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट चेक पॉइंट से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस के बाद आपके राइट हैंड साइड पर आपको कुछ सीढ़ियाँ दिख जाएंगी। ये हैं वो सीढ़ियाँ और इनके थ्रू आप डायरेक्टली मेन स्टूपा तक पहुंच सकते हैं वॉक करके। तो पार्किंग स्पॉट पे अगर आप पार्किंग करना चाहते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे पार्किंग करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और मेरे बैकग्राउंड में जो टेम्पल दिख रहा है वो 12 बजे तक ओपन रहता है दिन में। 12 से 1 तक उसका लंच टाइम होता है, यानी कि वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उनका लंच टाइम होता है। तो इस कारण से अगर आप 12 के पहले या कुछ टाइम पहले तक आते हैं तो विज़िट मंदिर आप पहले कर लें, बाकी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। तो गाइस, एंट्री करने के पहले सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे एंट्री स्लिप, और उसके लिए मैं अभी आ चुका हूँ। और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरे ये एंट्री की स्लिप जो यहाँ से मिलेगी वो काउंटर से है। यहाँ पे स्लिप के जो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको 40 रुपीज़, अगर आप फॉरेनर हैं तो अराउंड 600 रुपीज़। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप अपना सेल्फी स्टिक या कोई भी ट्राईपॉड लेके आते हैं जिसमें ट्राईपॉड स्टैंड है तो वो यहाँ पे बिना परमिशन के अलाउड नहीं होता है। उसके लिए आप यहाँ पे आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड मैक्सिमम यही होता है कि वो परमिशन नहीं देंगे, वो आपका रैप कर देंगे जो भी आपका ट्राईपॉड स्टैंड होगा। परमिशन चाहिए तो आपको ASI की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, ईमेल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे शूट करने की परमिशन मिलेगी। तो सिंगल डे की वैलिडिटी वाली स्लिप मैंने ले ली है और यहाँ पे गार्ड भैया को चेक करवाऊंगा मैं। थैंक यू भैया। और फिर मैं स्टूप के करीब जाता गया और अमेजिंग आर्किटेक्चर और कार्विंग को मैं ऑब्जर्व करता गया, और घूमते घूमते फिर मेरी मुलाकात हुई आजाद सिंह जी से, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एम्प्लॉई है। तो मैं यहाँ पे इसका जो कैंपस है सांची का यहाँ पे खड़ा हुआ था, और मैं 15 से 20 मिनट मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ी, उनको समझने की कोशिश करी, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट भैया ने मुझे अप्रोच किया, बोले मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एज ए फ्रेंडली जेस्टर पे के तौर पर। भैया आपका नाम? आजाद सिंह। एक क्विक टूर देंगे मुझे यहाँ का कि सांची के स्तूपा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या हिस्ट्री से उसके रिलेटेड हैं चीज़ें। सर, आप जो स्तूप देख रहे हैं ना, स्तूप होता है समाधि। ये होलो नहीं, सॉलिड होता है। इसमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बुद्धा यहाँ कभी नहीं आए। अच्छा, कभी आए ही नहीं? नहीं, ना बुद्धा को अशोका ने देखा है, ना अशोका ने बुद्धा को देखा। इन दोनों में 200 ईयर्स का अंतर है। अशोक के 200 साल पहले ही 8 स्तूप बन गए। 483 BC में बुद्धा का निर्माण हुआ कुशीनगर। निर्माण है ना, कुशीनगर में हुआ। उन कुशीनगर में उनके निर्माण होने के बाद जब बुद्ध को जलाया गया, जलाने के बाद उनके अवशेष के लिए हर एक राजा चाहता था उनके अवशेष अपने अपने पास रख रहे हैं। कोलिया, लामा, लिच्छवी, नागा, आजाद शत्रु। जब द्वंड नामक व्यक्ति ने उनको समझाया कि आप लोग आपस में फाइट करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनको 8 पार्टों में डिवाइडेड कर लीजिए। जो कलिंगा वार हुआ 261 BC में, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कलिंगा वार जो अशोका, हाँ, जो उड़ीसा भुवनेश्वर दया नदी के पास, कहते हैं वो खून की नदियाँ बह गई थी।
जिससे अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। वो चंड अशोक से धर्म अशोक हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन 8 स्तूप में से 7 को खुलवाया। उनको खुलवाने के बाद उन्होंने एशिया महाद्वीप में असंख्य स्तूप बनाए, जिसमें सबसे पहला स्तूप उन्होंने सांची के अंदर बनाया 3 BC में, टेराकोटा ब्रिक का जो इसके अंदर कवर्ड है। सर, यहाँ स्तूप बनाने के 2 रीजन रहे। अशोक के पिता बिंदुसार, जो पाटलिपुत्र पटना जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ के शासक हुआ करते थे, और अशोक को अवंती जो उज्जैन का ओल्ड नाम है, यहाँ का गवर्नर बनाया। उसी समय यहाँ से 10 किलोमीटर दूर विदिशा है, वहाँ एक व्यापारी की बेटी देवी से उन्होंने व्यवहार रचाया। जब अशोक की डायनेस्टी चेंज हुई, इसके 100 वर्ष बाद आया शुंग डायनेस्टी, है ना। तो सर, उनके अग्निमित्र शुंग ने इसको पूरा स्टोन से कवर कर दिया। ये जो लाइम मटेरियल का प्लास्टर देख रहे हैं आप, ये पूरे में प्लास्टर लगाया। ये जो रेलिंग लगाई भूवेदी का, ऊपर वाला प्रदक्षिणा पथ, सबसे टॉप में हर्मिका के अंदर जो एसटी एसटी पे जो 3 छत्र जड़े हुए हैं, ये बौद्ध धम्म संघ का प्रतीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसके 200 वर्ष बाद आए 1 BC में आंध्रा के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने ये चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए। देख रहे हैं ना, ये सभी भिक्षु लोगों की समाधियां हैं। अच्छा, यहाँ 3 जो यहाँ पे जितने भिक्षु आए होंगे कभी ना कभी, या उस टाइम कितने साल पुरानी बात होगी ये सर? 3 BC से 1280 तक, 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक यहाँ बहुत बड़ा बुद्धिस्ट शिक्षा केंद्र रहा था। उसी समय ये पूरा स्तूप फॉरेस्ट में चले गए 1280 से 1818 तक। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, पूरे जंगल में कवर्ड हो गए। जो जगह जगह से आप प्लास्टर झड़ा हुआ देख रहे हैं, जो रेलिंग के 3 पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये गेट टूटे हुए देख रहे हैं। भाई, एक चीज़ मैंने गूगल पे भी सर्च करी थी स्तूपा के बारे में, तो को ये पता चला था कि जब ये नए नए बने थे तो एकदम कांच की तरह ऐसी पॉलिश लगाई गई थी, मॉरियन पॉलिश कहते थे। नहीं, वो अशोका पिलर पे है, वो बताऊंगा। वो है भी कि वो मतलब कांच की तरह एकदम शीशे की तरह रिफ्लेक्ट होता है। तो सर, ये 1280 से 1818 तक पूरा फॉरेस्ट में चले गए। 1818 में जनरल टेलर ने इसे खोजा। 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल ने इसका कंजर्वेशन वर्क किया। कुछ भाई लोग मिल गए हैं मुझे रास्ते में, और यहाँ पे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स भी होंगे। बिल्कुल, आप भी करना भाई, पूरे MP की प्लेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल, और अभी मैं MP टूर पे निकला हूँ, आपके अच्छा। नॉलेज के लिए बता दूँ तो मैंने अभी पचमढ़ी के और चौरागढ़ महादेव ट्रैक वगैरह करे, आप सांची के बाद फिर छतरपुर या खजुराहो, वो सारा बेल्ट वही जबलपुर से लेके आपका चित्रकूट तक पूरा कवर करना है। चलो, मेरा चैनल भी वहाँ पे प्रमोट कर दूंगा, आपका लिंक भी डाल दूंगा। श्योर, आप कमेंट कर देना, हम एक दूसरे को प्रमोट कर लेंगे, हेल्प कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू ब्रो। थैंक यू। सर, ये 2 शिलाएं ये सामने रखी हुई हैं, ये यहाँ पर था अशोका पिलर, अशोका स्तंभ। ये अशोका पिलर दोनों पार्ट से ये था मूल स्थान पे। ये सर मोनोलिथिक सिंगल पीस था 42 फीट हाइट का। इस पर लाइन कैपिटल था जो नीचे म्यूजियम में रखे हैं। बताया जाता उस समय यहाँ के लोकल जमींदार ने इसको शुगर ग्राइंडर के लिए तोड़वाया, गन्ने का जूस प्रेस करने के लिए। अच्छा, तो इससे गन्ने का रस निकालने के लिए उन्होंने इसको तोड़ दिया, शुगर ग्राइंडर के लिए, फायदा के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अशोक इसको लाए सर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर चुनार से, ये स्टोन मिर्जापुर का है। हाँ, उस समय का इसका पॉलिश देखिए आप, 3 BC का कितना कर सकते हैं। हाँ, स्मूथ है, देखिए आप। आज भी उतना ही स्मूथ है। बताया जाता है ये अशोक ने एक नोटिस बोर्ड लगवाया था ना सर, पाली भाषा में, ये वार्निंग कलाई। वार्निंग सर, ये 5 AD का गुप्त डायनेस्टी का टेंपल है, जो गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड का समय का, जो आज आपके शिखर वाले टेंपल बनते हैं, उस समय फ्लैट टेंपल बनना चालू हुआ। गुप्त डायनेस्टी को आप कैसे पहचानेंगे? जो पिलर के ऊपर रिवर्स लोटस है ना, ये गुप्त का सिंबल है। अरे, इस पे लकड़ी का छत था।
ये पूरा ये मैंने काफी ज्यादा वीडियोस में भी देखे हैं। ग्रीक आर्ट सर, ये चैत्य था मेडिटेशन है। इस पे छत हुआ करता था, लकड़ी का छत हुआ करता था सर। सबसे पहले यही तोरण द्वार बना, साउथ गेट, सदानंद तोरण द्वार। ये वाला बोधि ट्री का पूजा बताया है सबसे टॉप में, है ना। हाँ। ये जो महल में एक महिला सो रही है, हाँ, ये सिद्धार्थ की माँ है, महामाया। ये प्रेग्नेंट रहती हैं, रात को सोते समय इनके ड्रीम के अंदर एक वाइट एलिफेंट आता है और गर्भ में प्रवेश करता। देखिए एलिफेंट का डायरेक्शन, देखिए वायु मार्ग से आ रहा है, पेट उगड़ा हुआ है। ये अपने ड्रीम के विषय में सुबह राजा सिद्धोधन को बताती हैं। तो देखिए सभी दासियां महलों में देखिए बातें कर रही हैं, कान में है ना, एक के कंधे पे पैरेट बैठा है, ये देखिए। और माया देवी इस रथ के द्वारा अपने पिता के यहाँ जा रहे हैं डिलीवरी के लिए नेपाल। नेपाल और बिहार के पास लुम्नी बन, रुम्नी देवी ग्राम में ये इनका जन्म हुआ 563 BC। तो गौतम बुद्ध का इसमें पूरा, हाँ जी, जन्म का बताया सिद्धार्थ का से लेके लास्ट। हाँ, ये द्वारपाल अटेंडेंट है सर, है ना। रोड पे यही तोरण द्वार लिया गया है सर, है ना। हाँ, वेस्टर्न तोरण द्वार। अरे आप रहे, ये 2018 के बाद आप ये कौन सा, वो साउथ गेट हो गया, ये वाला भैया ये वेस्टर्न है, पश्चिमी तोरण द्वार, यही 200 वाले नोट पे। ये चारों यक्ष बताते जाते हैं ना, इसको अपने यहाँ भारत में यक्ष बोलते, चाइना लाफिंग बुद्धा करके बेचता है। ये चारों यक्ष इस गेट का बोझ अपने तरीके से उठा रहा है, एक हंस रहा है, एक रो रहा है, एक शांत खड़ा है, एक गुस्से में है, जिस प्रकार इंसान अपने जीवन का बोझ उठाता है। बड़ा कठिन। ये देखिए सर, ये बुद्ध बैठे हुए हैं ना, बुद्ध शाक्य वंश के थे, है ना, उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कपिलवस्तु में शाक्य लोगों को टीचिंग दे रहे हैं, है ना। देखिए कुछ लोग इनकी टीचिंग को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नीचे वाला बैक बेंचर कर रहा जो आज अपन को देखने को मिलता है, वो 2100 साल इधर उधर बातें करना और ये सारी चीज़ें। ये देखिए सर, ये पूरा बुद्धा को बॉडी को बताया, जितना बड़ा शरीर है ना उतने बड़े पैर। देखिए टॉप में अम्ब्रेला उनका हेड है ना, सिर है, त्रिशूल देख रहा है उल्टा डब्लू आकार का, ये उनका चेहरा है। ये गोल फूल देखिए उनका चेस्ट, हृदय है। ये दो हाथ देखिए आप, है ना, ये उनके हाथ है ना शोल्डर, ये उनके पैर है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उनके पैर के अंदर ये चक्र आया, यही अशोका ने अपना धर्म सिंबल बनाया, इसी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह में लिया। ये देखिए सर, ये डोनर्स नेम है, ये पाली भाषा लिपि ब्रह्मी है। जो लोग उस समय स्टोन दान में देते थे अपना नाम डलवा दिया करते थे। ये पाली का दा है, ये ना है, ये बिंदी माँ है। आप दानम दानम हर एक में पढ़ सकते हो, हर एक नाम अलग है। ये सभी देखिए जो ब्रैकेट में है ना, सभी डोनर्स नेम है। सर ये मूर्तियाँ हैं 5 AD महायान पीरियड की, सर 4th और 5th शताब्दी गुप्त डायनेस्टी की मूर्तियाँ हैं। बौद्ध धर्म में सर सबसे पहले हुए 2 सेक्शन, हीनयान और महायान। हीनयान आया बिफोर क्राइस्ट, प्रतीक चिन्ह की पूजा करने वाला। 5 AD में आए महायान, मूर्ति पूजा करने वाले। फिर सर एक और ब्रांच बढ़ गई 7 AD में, बज्रयान, जो दलाई नाम है वो बज्रयान शाखा के। ये इसका कोई प्रमाण नहीं है किसने तोड़ा। ये देखिए ये जो बिहार के अंदर बताया जाता नालंदा विश्वविद्यालय बना है, वो इसी आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। ये अशोक का बनाया हुआ 3 BC का, और वो गुप्त का बनाया है 5 AD का। वो इससे काफ़ी बड़ा है ना, बताया जाता 1936 में इसका उत्खनन कार्य हुआ आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 1936। हाँ, बताया जाता यहीं पर अशोक के बेटे महेंद्र, बेटी संगमित्रा 1 महीने यहाँ रुके। यहीं से वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए और उन्होंने श्रीलंका को बुद्धिस्ट बनाया। है ना, ये इसी का स्टोन काट के काम में लिया सर, ये पानी के लिए यूज फुल बना लिया। पीछे वो ट्री के पास आप देखेंगे एक भिक्षा पात्र है ना, वो गोल स्टोन वॉल टाइप का देख रहे हैं, वो वाइट कलर का वो भिक्षा पात्र था। अच्छा। जो भिक्षु लोग गांव से भिक्षा मांगते थे इस पात्र में डालते थे और आपस में वितरण कर लिया करते थे। यहाँ से जो एक रास्ता गया है ना 200 मीटर नीचे डाउन में, स्तूपा नंबर 2 है। नीचे जाके स्तूपा नंबर 2 है, जो 8 टीचर इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे उनके अस्थि अवशेष थे। तो वहाँ लोग जाते नहीं है, जाते हैं काफी कम लोग जाते हैं मेरे को दिख रहा है। हाँ, कम लोग जाते हैं सर।
ये स्तूपा नंबर सर 3 है ना, जिस पे एक छत लगा है ना, इसको क्या हुआ 1851 में कनिंगम और एफसी मैसी ने इसको डिक करा लिया, ये पूरा नया बना हुआ है। अच्छा, इसको डिक कराया 1851 में। जब डिक कराने के बाद उनको इसमें एक स्टोन का बॉक्स मिला, उस बॉक्स के अंदर दो छोटे छोटे बॉक्स थे जिस पर पाली में लिखा था सारी पुत्र महामोदलाइन, जो बुद्धा के सबसे प्रिय शिष्य थे उनके रिमेंस थे, वो लोग निकाल कर ले गए, ले जाकर रख दिया लंदन म्यूजियम। जब अपना देश आज़ाद हुआ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर भंडार नायका वहाँ गए, उनको वापस लाए। तो आज़ाद भैया ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है मुझे और काफ़ी कम टाइम के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू आज़ाद भैया, आपने इतना सपोर्ट किया है और इतने अच्छे से डिटेल एक एक चीज़ की हमें बताई, और उम्मीद करता हूँ कभी दोबारा आऊँगा यहाँ पर तो आपसे मुलाकात फिर से होगी मुझे। थैंक यू सो मच भैया। तो घूमते घूमते बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और यहीं पे एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आपको चाय नाश्ते के लिए पेटीज़ वगैरह, समोसे, कोल्ड ड्रिंक एंड टी कॉफ़ी वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पे खाऊंगा पीऊंगा, फिर उसके बाद एक और मुझे स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे मंदिर है काफ़ी पुराना, 6th-7th century का ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे बोर्ड के ऊपर, तो वो थोड़ा सा देखूंगा, उसके बाद फिर मूव करूंगा अपने घर के लिए। तो गाइड भैया ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमें फ्री कर दिया है। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी समाधियाँ बनी हुई हैं बौद्ध भिक्षुओं की, और काफ़ी सारे टेंपल्स भी बने हुए हैं 3rd BC, 3rd century के हिसाब से। तो सांची स्तूपा के बाद बिल्कुल नेक्स्ट उसी कैंपस में ही आपको ये वाला टेंपल भी दिख जाएगा, एंड ये 7th या 8th century में बना हुआ है ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा पुराना दिख रहा है, और इसके कंस्ट्रक्शन देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही यूनिक स्टाइल है, बहुत बहुत पुराना। और उस टाइम पे जैसा कि गाइड भैया ने बताया भी था कि टेंपल के ऊपर डोम साइज़ या डोम शेप नहीं बनता था, फ्लैट छत के टेंपल हुआ करते थे, तो उनमें से एक ये भी है। ये मंदिर का जो कैंपस है यानी कि बाउंड्री वॉल है, उसके साइड से गली है, मैंने कहा एक चक्कर लगा के देखूँ ज़रा कैसा महसूस होता है यहाँ पे। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिनके सर कटे हुए हैं। अब सर कटने का ये पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। नंबर वन, औरंगज़ेब जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने सारी की सारी बुद्ध मूर्तियाँ उनके सर धड़ से अलग करवा दिए थे। और अभी जो मेरे को गाइड भैया ने बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस समय के साथ सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, किस पर विश्वास करा जाए ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। और हाँ, अभी तक जिस जिसने भी पचमढ़ी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। तो गाइज ये था सांची का सफ़र, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। इस वक्त मैं खड़ा हुआ मध्य प्रदेश के एक और प्राइम लोकेशन पे, जो कि है सांची। सांची से सांची 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 सांची